Hi guys, what's up and how you all are doing? So guys, आज मैं आप लोगों के पास आई हूँ एक टॉपिक लेके जो कि है बहुत ही कॉमन टॉपिक, जिसकी जानकारी लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछी बहुत सारी चीज़ें. तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए. तो ये जो वीडियो है वो है बिगनर्स के लिए जो अपना यूट्यूब या तो चालू कर चुके हैं 100 सब्सक्राइबर के साथ, 200 सब्सक्राइबर्स के साथ, या फिर जो लोग सोच रहे हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, 1 ईयर, फ्रॉम लास्ट 2 मंथ, मुझे अपना यूट्यूब स्टार्ट करना है, बट दे हैव अ डाउट इन देयर माइंड कि अगर हम यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसके जो ब्रांड है, अदर लोगों को ब्रांड कॉन्टैक्ट करता है तो ब्रांड मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, कब करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ अपना. ऑल्दो मेरे चैनल पे ओनली 1000 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट किए हैं, बट कब मुझे ब्रांड ने कॉन्टैक्ट किया और मुझे कब पैसा मिलना स्टार्ट हुआ ब्रांड से, वो मैं बात करने जा रही हूँ इस पे. ऐसा नहीं कि यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ मनी. जिस तरीके से आपके सब्सक्राइबर होंगे, जैसे आपके व्यूज होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ब्रांड कॉन्टैक्ट करता है. बट कैसे, तो इस बारे में मैं करने जा रही हूँ आपसे बात. सो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को आराम से बैठ के देखें. और कोई डाउट हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं, सेम वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. गाइस, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई ब्रांड है तो वो आपको कब कॉन्टैक्ट करेगा, क्यों कॉन्टैक्ट करेगा. जो मेरा फर्स्ट कॉन्टैक्ट था वो कब आया मेरे पास, जो मेल थी, जो कॉन्टैक्ट जिस भी वे में आया वो कब आया मेरे पास, कितने सब्सक्राइबर थे और क्या उन्होंने मुझे पैसा भी दिया या फिर क्या डील हुई थी, वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. ऑल्दो मेरे चैनल पे मुझे 1.5 ईयर हो चुके हैं गाइज, बट अर्लियर विद जॉब विद लॉट्स ऑफ थिंग आई वॉज नॉट एबल टू मेक कंटिन्यूअसली वीडियो, इसलिए मेरा चैनल जो है वो रुक रुक के आ रहा था. बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपने चैनल पे कंप्लीट वीडियो पोस्ट करूँ, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की जानकारी, किसी चीज की जानकारी या फिर जो मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि मुझे करना बहुत पसंद है वो अपडेट करती रहूँ टाइम टू टाइम, जिससे कि मेरे चैनल पे जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो बोर ना हो, उन्हें कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. सो गाइस, फर्स्ट जो मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशन आया था वो आया था जब मेरे थे 300 सब्सक्राइबर. यस, जस्ट 300 सब्सक्राइबर पे मुझे एक ब्रांड ने कॉन्टैक्ट किया था. मैं किसी ब्रांड का यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, मैं बस आपको बताऊंगी कि उन्होंने मुझे कैसे कॉन्टैक्ट किया था, हमारी बात क्या हुई थी, इन सब चीज़ों की मैं आपको दूंगी जानकारी. सो जब उस ब्रांड ने मुझे कॉन्टैक्ट किया गाइस, तो उन्होंने मुझे कैसे कॉन्टैक्ट किया, तो जब भी आप अपना यूट्यूब पे प्रोफाइल बनाते हैं तो नेवर फॉरगेट टू ऐड योर ईमेल आईडी. वहाँ पे डिटेल होती है, डिटेल्स में ईमेल आईडी डाल सकते हैं या फिर आप डाल सकते हैं फॉर बिजनेस क्वेरी और समथिंग लाइक दिस, फॉर कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी वीडियो. तो आप अपनी मेल आईडी जरूर डिस्क्रिप्शन में डालें, तभी ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे. अगर आप अपनी मेल आईडी ही नहीं डालेंगे तो फिर कोई ही ब्रांड होगा जो आपको कमेंट में आके बोलेगा, मोस्ट ऑफ द ब्रांड दे आर गोना कॉन्टैक्ट यू वाया मेल. तो जो पहला ब्रांड था वो मेरे पास आया था जब मेरे 300 कुछ सब्सक्राइबर थे, एंड दैट टाइम आई रिमेम्बर आई वाज सो हैप्पी, आई फेल्ट लाइक ओ माय गॉड, विद इन जस्ट 300 सब्सक्राइबर. और मैंने जस्ट ऐसे मेल खोल के देखा था, मुझे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि कोई मेल आया होगा, एंड देयर वर वन मेल और उसको मैंने तुरंत पढ़ा एंड मैंने उसे सेंड किया जस्ट रक्कू को, एंड आई वाज सो हैप्पी कि रक्कू सी आई, मतलब कि कोई तो है जो मेरी वीडियोस को रिकग्नाइज कर रहा है, जो मेरी वीडियो को देख रहा है, या मेरी वीडियो किसी को लगा है कि मैं किसी के वीडियो के माध्यम से मैं किसी के काम आ सकती हूँ, ऐसा कोई तो है. सो आई फेल सो गुड, सो गुड. गाइस, वो जो ब्रांड था वो बिल्कुल ही न्यू ब्रांड था, तो फिर मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा कुछ एज सच पता नहीं था, एंड दैट प्रोडक्ट वॉज हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, तो इसलिए मैंने पहले उससे सारी इन्फॉर्मेशन मांगी. मैंने ऐसा नहीं सोचा कि ये फर्स्ट ब्रांड है तो मैं बिल्कुल ही जाके कुछ भी प्रोडक्ट आया तो वीडियो बना दूं, ऐसा मैंने नहीं किया. और जब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम अवेयर अबाउट इट और आई एम श्योर अबाउट इट, सो आई डिनाइड टू दैट ब्रांड स्टेटिंग दैट कि नहीं, मतलब कि आई एम नॉट फीलिंग दैट comfortable, like my subscriber is, even it's a 300 subscriber, I want a genuine subscriber and I want to share the things which is genuine. ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रांड मुझे पैसे दे रहा है या फिर फ्री में सामान दे रहा है तो मैं कुछ भी बना दूँ. सो मैंने उस ब्रांड को बोल दिया सॉरी, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी, बट नहीं, मैं आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वीडियो नहीं बना सकती
क्योंकि फर्स्ट ये हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है एंड व्हेन आई एम नॉट श्योर टू हैव इट देन आई डिडंट टेक द चांस बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट ब्रांड व्हिच कॉन्टेक्टेड मी. सो मैं ओवर हैप्पी होके कुछ भी नहीं बना सकती थी तो मैंने उन्हें मना कर दिया. दैट आई फील लाइक कि नहीं ठीक है बना देते कंटेंट मिल जाता समथिंग लाइक दिस. यू गेट लॉट्स ऑफ थॉट इन योर माइंड बट उससे ओवरकम होना है और आपको ख्याल रखना है अपने सब्सक्राइबर का कि जो भी लोग आपके वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे भी हो सकते हैं बूढ़े भी हो सकते हैं जवान भी हो सकते हैं. तो आपको कोई भी ऐसी डिटेल नहीं देनी है जो किसी के लिए हार्म हो या फिर वो डिटेल नहीं मैं देना चाहूंगी जिसके मुझे पर्सनली खुद पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो. सो दैट्स हाउ मेरी फर्स्ट मेल आई और मैंने सब मना कर दिया. मुझे वो बहुत दुख लगा बट दैट्स फाइन. एंड इन द सेम मंथ ओनली मंथ एंड के आई थिंक मंथ एंड हो रहा था और नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा था देन आई गॉट द अनदर मेल ऑल्सो. क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था उसमें मैं अपनी ईमेल आईडी को पर्टिकुलर चेक करने लगी थी कि क्या कोई और ब्रांड तो मुझे कॉन्टेक्ट करना नहीं चाहता है. तो मैंने देखा एक और ब्रांड का कोलैबोरेशन आया जिसका सामान मैं ऑलरेडी यूज कर रही थी तो उस ब्रांड के साथ मैंने कोलैब किया. तो उस ब्रांड के साथ जो मेरा कोलैबोरेशन था वो था एक बाटा कोलैबोरेशन. उस टाइम मुझे नहीं पता था बाटा कोलैबोरेशन क्या होता है. तो जब उन्होंने बोला कि वी वॉन्ट अ बाटा कोलैबोरेशन तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे मतलब बाटा कोलैबोरेशन मीन्स व्हाट. सो उन्होंने मुझे बताया कि दैट्स हाउ वी आर गोना सेंड यू द प्रोडक्ट यू हैव टू मेक द वीडियो बट यू विल नॉट गेट पेड फॉर दिस. एंड आई वॉज ओके बिकॉज मेरा चैनल अभी बहुत ही न्यू है एंड उस टाइम मेरा चैनल बहुत ही न्यू था. 300 सब्सक्राइबर पे अगर कोई मुझे अपना सामान प्रमोट करने बोल रहा है तो दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी दैट आई गॉट सम वर्क फ्रॉम द यूट्यूब जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क जो मैंने किया है. 300 सब्सक्राइबर की वजह से ही जो भी मुझे कॉलब्रेशन आया इट वॉज रियली रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी. क्योंकि जो ब्रांड था मैं ऑलरेडी यूज कर रही थी तो आई वॉज श्योर अबाउट इट ऑल्सो कि हाँ अगर मैं इस ब्रांड का कोई एक्स्ट्रा सामान भी आता है और उसकी मैं वीडियो बनाती हूँ तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये पक्का बेनिफिट देने वाला है. इवन दो मैंने उस ब्रांड से बोला कि जब आपका सामान आ जाता है आई वुड लाइक टू यूज इट फॉर अ वीक देन ओनली आई विल मेक द वीडियो व्हेन आई विल फील कंफर्टेबल. आई विल नॉट गिव एनी फॉल्स कमिटमेंट और एनी फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट योर ब्रांड जस्ट बिकॉज द व्यूज एंड द सब्सक्राइबर्स सो दे वर ओके. तो इसी तरीके से आपको कोलैब करना है. सो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूं अगर आप अपना चैनल ओपन कर चुके हैं या करने जा रहे हैं तो आपको तीन तरीके के कोलैबोरेशन आएंगे जो कि अभी तक मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ. तो फर्स्ट आपको मिलेगा बाटा कोलैबोरेशन जिसमें वो लोग आपको सामान भेजेंगे आपको उनकी वीडियो बनानी है एंड आपको उनको वीडियो भेजनी है. वंस दे विल अप्रूव यू कैन अपलोड दैट वीडियो. एंड सेकंड आपको मिलता है पेड कोलैबोरेशन. सो पेड कोलैबोरेशन में कुछ ही ब्रांड होंगे जो आपको पेड कोलैबोरेशन के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे जब आपका चैनल नया है एंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो जाते हैं वो बाटा कोलैबोरेशन के लिए जाते हैं. एंड थर्ड गाइस जो कुछ ब्रांड होते हैं वो बोलते हैं हम आपको पीआर भेजना चाहते हैं. तो पीआर का मतलब ये है कि आपको सामान भेजेंगे इफ यू लाइक दैट प्रोडक्ट देन मेक द वीडियो. अगर आपने उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया है तो आप उन्हें मना कर सकते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं बनाना चाहती. मतलब कि वो अपनी खुशी होगी आपकी कि आपको कोई पीआर पैकेज आया है किसी ब्रांड से. तो अगर आप उस पैकेज को देख के इतने हैप्पी हैं अगर आप उसके बेनिफिट से उसके मतलब कि उस चीज से इतने हैप्पी हैं मान लो कोई कपड़ा है उसकी क्वालिटी से इतने हैप्पी हैं उसके प्राइस से हैप्पी हैं कि आप चाहते हैं आपके सब्सक्राइबर्स को पता हो तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं. सो गाइज ये थे वो थ्री टाइप के कोलैबोरेशन जो आपको ब्रांड की तरफ से आने वाले हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया आपको अपडेट करनी है अपनी मेल आईडी देन ओनली दे विल गेट योर कॉन्टैक्ट और वो आपको मेल कर पाएंगे. एंड कीप चेकिंग योर मेल अगर आपने चैनल स्टार्ट किया है. आप बस अपना हार्डवर्क करते रहे आज नहीं तो कल आपको ब्रांड के कोलैबोरेशन आने लगेंगे. एंड जितना ज्यादा आप अच्छी वीडियो और जेन्युइन वीडियो बनाएंगे उतने ही आपको अच्छे सब्सक्राइबर मिलेंगे. इट इज नॉट लाइक कि ब्रांड अगर मुझे फ्री में सामान भेज जाए तो मैं कुछ भी वीडियो बना दूं. नहीं गाइज आपको वीडियो बनानी है आप पहले ही ब्रांड को बोल दें कि अगर मुझे सामान पसंद आता है अगर मुझे ये बेनिफिशियल लगता है फॉर माई सेल्फ देन आई विल मेक द वीडियो. एंड कोई भी ब्रांड आपको इसके लिए मना नहीं करेगा. उसके बाद गाइज अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ ब्रांड होते हैं वो आपको देते हैं पेड कि हाँ मैं हम आपको पेमेंट देना चाह रहे हैं तो वो आपके व्यूज के अकॉर्डिंग वो आपके व्यूज के अकॉर्डिंगली देंगे आपके सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंगली ही देंगे. तो वो आप उनसे डील कर सकते हैं कि पर वीडियो का वेदर दे वॉन्ट टू गिव 500 और 1000 मतलब यहाँ पे आप एक नेगोशिएट कर सकते हैं. अगर आपको बोल रहे हैं कि वी वॉन्ट टू गिव यू 1000 रुपीज फॉर वन वीडियो देन यू कैन गो फॉर इट कि नो मेक इट 1500 2000 देन दे विल गिव द रीजन ऑल्सो वाई वी वॉन्ट टू पे यू
1000 रुपीज बिकॉज योर सब्सक्राइबर आर दिस मच एंड योर व्यूज आर दिस मच. वो लोग भी आपके जो चैनल पे आएंगे तो कंप्लीट आपके चैनल की डिटेल लेकर ही आएंगे. तो फर्स्ट आप ट्राई करें कि अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं, उसके बाद अगर आपके पास कोई ब्रांड आता है उससे अच्छे से डील करें. प्रोडक्ट की जानकारी आप पूरी उनसे ले पाएंगे. और मैं आपको बोलूंगी प्लीज आप टाइम ले लें, एक हफ्ते का उस प्रोडक्ट को यूज करें, देन ही वीडियो बनाएं, ताकि मेरे सब्सक्राइबर हो या किसी और के सब्सक्राइबर हो उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो. जो भी प्रोडक्ट हम बता रहे हैं यहाँ पे, एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल जनरल होना चाहिए फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर सब्सक्राइबर ऑल्सो. एंड गाइज नेक्स्ट इज लाइक कि अगर कोई ब्रांड आपको पेमेंट करना चाहता है या फिर कोई बार्टर कोलैबोरेशन का आपके पास मेल आया है बट यू वांट देम टू पे, आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर बार्टर कोलैबोरेशन. सो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे आपको पेमेंट देने में या फिर आपका चैनल अच्छा कर रहा होगा, सो ऑफकोर्स दे विल आस्क योर कमर्शियल. तो जब वो आपका कमर्शियल पूछते हैं कि आपका कमर्शियल क्या है, वॉट इज योर कमर्शियल, एंड अगर आप श्योर नहीं है कि आपको किस वीडियो का कितना चार्ज करना है, देन यू कैन से कि आप हमें बताइए, you tell me your offer and accordingly if I will be okay then I will go for it. So guys this is the story about my collaboration. Although my channel is very small but ये जो छोटी सी story है for the people जिन्होंने मुझे देख के channel start किया है या फिर जो चाहते हैं कि हाँ वो भी start करें but they are confused about it, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों का confusion दूर हो और brand से related कोई भी दिक्कत है, कोई भी concern है, सारे brand अच्छे होते हैं guys. वो आपको अभी तक जो मेरा experience रहा है सारे brand मुझे अच्छे मिले, मुझे टाइम पे रिप्लाई किया है, उन्होंने समझा है अगर मैं किसी वीडियो को बनाने में लेट हो गई हूँ. मेक श्योर करें कि आप उन्हें टाइम पे सब चीजें अपडेट कर दें एंड दैट्स हाउ यू कैन डू द कोलैबोरेशन विद द ब्रांड. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. आई एम श्योर ये वीडियो में आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली हो जो आपके काम की हो. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रियल अभी ज्योति सिन्हा, जहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Bye bye. Be safe, be at home.